भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिसाइल तैयार हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ये है और एक ये बड़ा, मतलब कि ये एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मोहम्मद कासम भट्टी। ये है टेक्नोलॉजी की दुनिया। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज कौन सी स्टोरी चलें, जी शुरू करते हैं। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद बंदा ऑफिस आया ना, तो अगर उसका काम ना हुआ हो तो बंदा कहता है कि यार क्या ये फिर दोबारा वही काम करना पड़ रहा है। हमारे ऑफिस के अंदर एक ये रूटीन होती है कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपका ही है। आप चाहे एक मंथ बाद भी ऑफिस आएंगे तो काम आपको ही करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने काम शुरू किया हुआ था छुट्टी से पहले, तो वो वैसे के वैसे ही पेंडिंग है। ये वो काम था जो मैंने छुट्टी से पहले शुरू किया था, अभी वो वैसे के वैसे ही। अभी आके मैंने एक होल ग्राइंड किया, दूसरा ये भी ग्राइंड किया, अब तीसरे होल को ग्राइंड करूँगा तो फिर इसको फाइनल कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर काम मज़ीद बढ़ता जा रहा है। जब से ये मशीन सही हो चुकी हुई, काम में हमारी तेज़ी आ चुकी हुई। यहाँ पर मेरी छुट्टियों के बाद एक प्लेट लगी हुई थी, वो हो चुकी हुई, अब ये दूसरी प्लेट आ गई हुई है। अगर व्हाइट बोर्ड देखा जाए ना तो ये भी फिल होता जा रहा है। यहाँ पे कई काम जो है वो डन हो चुके हुए हैं और कई काम पेंडिंग है। लेकिन जो डन हो चुके हैं वो ऐसे काम थे जिनका होना बहुत ज़रूरी था, वो हो चुके हुए हैं। एक ये नया काम आया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, ये लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा। जो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो मेरे मशीन के मुताबिक है। मेरी मशीन का जो बेड है ना वो उसी इस जॉब के लिए बहुत ही मुनासिब है। अगर इसको देखा जाए ना, ये एक तरह का लगता है कोई मिसाइल है, मिसाइल तैयार हो, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी गेज है, एक फिक्चर कह सकते हैं, जो किसी भी पार्ट को चेक करने के लिए तैयार की जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 होल हैं, ये ग्राइंड होंगे। इसके अलावा ये चीज़ ग्राइंड होगी, ये चीज़ ग्राइंड होगी, मतलब कि इन सारे होलों का जो CC होगा वो इसके साथ होगा। मेन ये होगा सेंटर, मरकज़ इसको कह लें, और इसी के सेंटर से सबको मेंटेन करना होगा, यानी कि इसका CC जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी CMM पहले से करा ली गई है, बकिया जो काम है जब शुरू होगा तब देखा जाएगा। कामों का मियार जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए ना, यहाँ पर इस साल के अंदर 2024 के अंदर ऐसे ऐसे काम आए जो पहले यहाँ पे कभी नहीं हुए। हमारी स्किल यहाँ पे कम नहीं हो रही है। अलबत्ता अगर हम कह सकते हैं कि मशीनें बहुत पुरानी हैं, लेकिन जो स्किल हमारी है वो बिल्कुल नई है, और स्किल जो हमारी बढ़ती जा रही है। अगर इस तरह के काम आ रहे हैं तो मतलब कि हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं। अक्सर जब मैंने ब्रेक करनी हो तो मैं इलाम अकबाल और कादे आज़म के दरमियान जो वॉच है उसको देखता हूँ, वो 1 बजने के करीब है। आज जुमा है तो जुमे की तैयारी भी करनी है, जुमा पढ़ने भी जाना है, इसलिए हम ऑफ़ कर रहे हैं। भाई बाहर का मौसम सुभान अल्लाह, गर्मी थी लेकिन बादल आ गया, मौसम ठंडा हो गया, ये जुमे की बरकतें हैं। भाई हलाल ज़ू के अंदर एंट्री हो गई है। अब मैं हलाल ज़ू के अंदर आया हूँ चंद दिनों के बाद, आकर इधर भी देखे, इधर का माहौल भी सारा चेंज हो चुका हुआ है। अब सारा का सारा मुझे ना काम ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है, ऑफिस में भी ज़ीरो से काम शुरू करना पड़ रहा है और हलाल ज़ू के अंदर भी ज़ीरो से काम शुरू करना पड़ रहा है। ये देखें जी, मेरी लापरवाही का नतीजा इसकी टांगें चली गई हैं, टांगे मतलब इसकी काम करना छोड़ गई हैं। अभी ये एक्टिव होगा, इसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं ताकत वाली फीड दे रहा हूँ, तो ये अच्छी सी फीड खाएगा, तब इसके अंदर जान आएगी और टांगों के अंदर भी जान आ जाएगी, तब फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। बतखें हमारी एक्टिव है, ये तो हमेशा एक्टिव ही रहती हैं। ये वाला मुर्गा एक्टिव है, बाकी जो थे कुछ मुर्गियाँ उनको नीचे शिफ्ट कर दिया हुआ है, बाकी इनको ऊपर रखा हुआ है। उनको शिफ्ट करने की रीज़न ये थी कि यहाँ पे बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से ना काफ़ी निज़ाम ख़राब हो रहा था। बतखें जो थी वो तो सर्वाइवल कर जाती हैं बारिश के अंदर, लेकिन जो मुर्गियाँ थी, मुर्गे थे, वो सर्वाइवल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से ये भी जो अभी मैंने आपको दिखाया ये बीमार हो चुका है, इसकी टांगे कितनी कमज़ोर हो चुकी हुई, ये चलना चल नहीं सकता, लेकिन ये दाना खा रहा है और आस्ता आस्ता एक्टिव हो रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि ये इसी तरह एक्टिव हो जाए, फिर अगर ना हो तो फिर कर लेंगे। ये तीनों अभी भी सलामत है और खा पी रहे हैं। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, सारे का सारा निज़ाम उलट पुलट हो चुका हुआ है, हर तरफ कचरा ही कचरा है, मतलब कि हलाल ज़ू अब वो ज़ू रहा ही नहीं है, वीरानी छा चुकी है। मतलब कि 7-8 दिन मेरे यहाँ से गायब रहने से ये हालात पैदा हो चुके हुए हैं। चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जैसा भी हुआ, बुरा हुआ अच्छा हुआ, ये बाद में फैसला होगा। लेकिन अब मैंने करना क्या है, इसको दोबारा से रीन्यू करना है, तो रीन्यू करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश करना होगी, वो मैं करता रहूँगा। तो किस तरह मैं दोबारा इसको रीन्यू करूँगा, इसके लिए कल से काम शुरू करेंगे। तो आज की मेरी स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।